दोस्तों, अगर आप भी रविचंद्रन अश्विन को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय टीम के गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन ने रच दिया इतिहास। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट के पहले ही दिन रविचंद्रन अश्विन ने एक ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम कायम किया जिसको आज तक महान खिलाड़ी हरभजन सिंह और अनिल कुंबले तक हासिल नहीं कर पाए। तो आखिर रविचंद्रन अश्विन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए कौन सा रिकॉर्ड कायम किया, ये तो हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ उनके तूफानी प्रदर्शन के बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं, तो जाने के लिए पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा में कौन है बेहतरीन फिरकी गेंदबाज, इस बात का जवाब नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रोमांचक टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट मुकाबला दिल्ली के मैदान पर खेला गया और इस मुकाबले में विरोधी टीम के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजों ने निरंतर रूप से विकेट निकालकर मुकाबले में वापसी की और इसी बीच रविचंद्रन अश्विन ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए चाय के समय तक 3 विकेट हासिल कर लिए और जहां पर उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 महत्वपूर्ण विकेट निकाले। और इस बीच रविचंद्रन अश्विन ने सबसे पहले मार्नस लबुशाने को 18 रन के स्कोर पर LBW आउट कर दिया, तो वहीं बल्लेबाजी करने के लिए आए स्टीव स्मिथ को भी बिना खाता खोले विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करा दिया और जिसके बाद 3rd विकेट उन्होंने एलेक्स कैरी को 0 रन के स्कोर पर आउट करके विराट कोहली के हाथों आउट करा कर लिया और इसी बीच उन्होंने इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों से दर्ज करवा लिया। दोस्तों, दरअसल रविचंद्रन अश्विन ने 3 विकेट निकालकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम अर्जित किया है, जहां रविचंद्रन अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 100 विकेट लेने का कारनामा अपने नाम हासिल किया है। और आपको बता दें कि रविचंद्रन अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एलेक्स कैरी को आउट करते हुए 100 विकेट लेने का कारनामा कर डाला है। दरअसल रविचंद्रन अश्विन ने 37 मुकाबलों में 29.1 की औसत से 100 विकेट हासिल किए हैं और इसी बीच उन्होंने 5 विकेट लेने का कारनामा 6 बार किया है, तो वहीं उनका सर्वाधिक प्रदर्शन 103 रन 7 विकेट का रहा है। ऐसे में उनके इस खतरनाक रिकॉर्ड को देखते हुए हर कोई हैरान रह गया और इसी के साथ ही साथ रविचंद्रन अश्विन ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया, जहां पर रविचंद्रन अश्विन ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट को मिलाते हुए 700 विकेट लेने का कारनामा पार कर दिया है। ऐसे में उनके इस तूफानी प्रदर्शन को देखकर मैनेजमेंट काफी ज्यादा खुश हुआ है और उनके प्रदर्शन पर तालियों के साथ उत्साहवर्धन करने लगा। दोस्तों, रविचंद्रन अश्विन ने किया ऑस्ट्रेलिया का काम तमाम। जी हां, अश्विन और मोहम्मद शमी की आग उगलती हुई गेंदबाजी के आगे पस्त हुए कंगारू। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दूसरे टेस्ट के पहले ही दिन भारतीय गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया को घुटने टेकने पर किया मजबूर। दुनिया के नंबर 1 और नंबर 2 बल्लेबाज को अश्विन ने 2 गेंदों पर चलता कर दिया। तो आखिरकार दूसरे टेस्ट के पहले ही दिन के खेल का कैसा रहा पूरा हाल, दिखाएंगे रोमांचक हाइलाइट्स का पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि अश्विन और जडेजा में से बेहतरीन स्पिन गेंदबाज कौन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, दिल्ली के अरुण जेटली मैदान में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का दूसरा मैच शुरू हुआ। पहला मुकाबला टीम इंडिया ने 1 पारी और 132 रनों से अपने नाम कर लिया था। अब सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल करने के लिए विराट कोहली के घरेलू मैदान में अगला मुकाबला होना था। कप्तान रोहित एक बार फिर से टॉस जीतने में नाकामयाब रहे। पैट कमिंस ने बल्लेबाजी लेने में ज्यादा देर नहीं लगाई। ऑस्ट्रेलियाई टीम की पहले मुकाबले में काफी बेइज्जती हुई थी और इस मुकाबले में उसका बदला लेने के लिए डेविड वार्नर और उस्मान ख्वाजा मजबूत इरादे के साथ मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए और भारत की तरफ से पहला ओवर डालने के लिए आए थे मोहम्मद शमी। लेकिन उनकी गेंदबाजी देख के ऐसा लगा मानो अपना रिदम खो बैठे हों और उन्होंने ढेर सारी वाइट और बिना लाइन लेंथ की गेंद डाल दी। लेकिन उसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने वापसी की और आपको बता दें कि पहले ही ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 4 रन बना लिए थे और दूसरे ओवर में उस्मान ख्वाजा ने मोहम्मद सिराज की गेंद पर चौका लगाते हुए ये बता दिया कि आज कंगारू ओपनर बल्लेबाज मैदान पर कुछ और ही सोचकर उतरे थे। हद तो तब हो गई जब 3rd ओवर में मोहम्मद शमी की गेंद पर उस्मान ख्वाजा ने 2 चौके लगाए और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 3 ओवर के बाद में 18 रनों के पार पहुंचा दिया। ये कुछ वैसी ही शुरुआत थी जैसा रोहित शर्मा ने भारत के लिए पहले टेस्ट मुकाबले में शुरुआत दी थी। रोहित को कॉपी करते हुए उस्मान ख्वाजा ने ऑस्ट्रेलिया को ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई, लेकिन उसके बाद दोनों ही तेज गेंदबाजों ने वापसी की और अगले 3 ओवर तक दोनों ही बल्लेबाजों को कुछ खास करने का मौका नहीं दिया। भारत अभियान से धीरे धीरे पकड़ बनाना शुरू करता है और 6 ओवर तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 19 रन था, यानी कि 3 ओवर में उन्होंने बस 1 ही रन बनाए थे और उसके बाद कप्तान रोहित शर्मा ने 7वें ओवर में एक नई चाल चली और गेंद दे दी वापस से विनर रविचंद्रन अश्विन को। जी हां, और अपने पहले ही ओवर में अश्विन ने बता दिया कि इस मुकाबले में वो जबरदस्त गेंदबाजी करने वाले हैं। उनके पहले ही ओवर में 2 रन जरूर बने लेकिन ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज उनको आसानी से खेल नहीं पाए थे और अब आता है वो ओवर जिसमें मोहम्मद सिराज ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी ऑस्ट्रेलियाई ओपनर बल्लेबाजों को दिखा दी।
आपको बता दें कि उन्होंने ओवर की तीसरी गेंद पर उस्मान ख्वाजा को एक बहुत ही खतरनाक बाउंसर गेंद डाल दी और जो उनके कंधे पर लगते हुए थर्ड मैन की तरफ चली गई। अब स्ट्राइक पर आ गए थे डेविड वार्नर और उनको भी मोहम्मद सिराज ने एक ऐसी खतरनाक बाउंसर डाली जिसके बाद मैदान पर फिजियो को भी आना पड़ गया। आपको बता दें कि मोहम्मद सिराज ने खतरनाक बाउंसर डाली थी और उस पर डेविड वार्नर पुल शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद उनके बल्ले पर लगते हुए उनकी कोहनी पर जा लगी और दर्द इतना ज्यादा था कि मैदान पर फिजियो को आना पड़ गया। हालांकि इसके बाद दोनों ही बल्लेबाजों ने संभल कर ऑस्ट्रेलियाई पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू कर दिया और एक तरफ से जहां उस्मान ख्वाजा 10 ओवर के बाद 31 गेंदों में 14 रन बनाकर खेल रहे थे, तो वहीं पे दूसरी तरफ से डेविड वार्नर ने 30 गेंदों में 6 रन बनाए थे। वार्नर अपने स्वभाव के विपरीत बल्लेबाजी कर रहे थे और 10 ओवर तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 26 रन था और उनके लिए अच्छी बात ये थी कि उन्होंने अब तक अपना एक भी विकेट नहीं गंवाया था। रोहित शर्मा की परेशानी अब बढ़ने लगी थी क्योंकि अगले ही ओवर में रविचंद्रन अश्विन की गेंद पर उस्मान ख्वाजा ने आगे निकलकर एक शानदार छक्का लगाया और इस छक्के ने इस बात को साबित कर दिया कि ख्वाजा इस मुकाबले में कुछ बड़ा करने के इरादे से मैदान पर आए हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया 11 ओवर के बाद में 32 रन बना चुका था और दोनों ही बल्लेबाजों ने अब अटैकिंग बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी थी क्योंकि 14वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मोहम्मद शमी को आड़े हाथों लेते हुए उस्मान ख्वाजा और डेविड वार्नर ने 3 चौके लगाए और पहली गेंद पर ख्वाजा ने चौका लगाया था तो उसके बाद चौथी और पांचवीं गेंद पर डेविड वार्नर ने 2 शानदार चौके लगाए और अपनी टीम का स्कोर 50 रन तक ले गए। लेकिन इसके बाद 50 रन के स्कोर पर मोहम्मद शमी ने अपनी खतरनाक गेंद डालकर डेविड वार्नर को चलता कर दिया। केवल 15 रन बनाकर डेविड वार्नर श्रीकर भारत को कैच देकर पवेलियन लौट गए। शमी ने आपको बता दें कि भारत को पहली सफलता दिलाई और अब यहां से ऑस्ट्रेलियाई पारी की जिम्मेदारी उस्मान ख्वाजा और लबुशाने के ऊपर आ गई थी। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने धीरे धीरे करके ऑस्ट्रेलियाई पारी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन लंच से ठीक पहले एक ही ओवर में अश्विन ने अपनी 2 गेंदों पर दुनिया के नंबर 1 और नंबर 2 के बल्लेबाज को पवेलियन की राह दिखा दी। उन्होंने 23वें ओवर की 4थी गेंद पर लबुशाने को पवेलियन का रास्ता दिखा दी और उसके बाद आखिरी गेंद पर उन्होंने स्टीव स्मिथ को पवेलियन का रास्ता दिखाते हुए पूरे ऑस्ट्रेलियाई खेमे में मातम जैसा माहौल पैदा कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन पैट कमिंस को यकीन नहीं हो पा रहा था कि अश्विन ने ये क्या कर दिया। दोस्तों लंच के बाद जब टेस्ट में नंबर 4 रैंक के बल्लेबाज ट्रेविस हेड और उस्मान ख्वाजा बल्लेबाजी करने के लिए आए तब इन दोनों ही बल्लेबाजों ने एक सदी हुई शुरुआत की, लेकिन मोहम्मद शमी को इस मुकाबले में कुछ और ही सोचकर आए थे। उनकी खतरनाक गेंद को ट्रेविस हेड संभाल नहीं पाए और उप कप्तान राहुल को कैच देकर पवेलियन लौट गए। 108 रन पर ऑस्ट्रेलिया ने अपने 4 विकेट गंवा दिए थे। हालांकि इसके बाद पीटर हैंडसकॉम्ब और उस्मान ख्वाजा ने ऑस्ट्रेलियाई पारी को संभाला जरूर और 150 रन के पार भी पहुंचाए, लेकिन जिस तरीके से भारतीय गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे थे उसे देखकर लगता है कि ऑस्ट्रेलिया 200 या 250 रन के अंदर सिमट जाए। दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को एक महान कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दूसरे टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया के गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी की आग उगलती हुई गेंदबाजी के सामने बेबस नजर आए ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज। फिर रविचंद्रन अश्विन और जडेजा की फिरकी ने किस तरीके से पहले ही दिन ऑस्ट्रेलिया को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और क्या कुछ रहा पहले दिन के रोमांचक मुकाबले का पूरा हाल दिखाएंगे उसका पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि अश्विन जडेजा इन दोनों में से कौन है बेहतर स्पिन गेंदबाज, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। दोस्तों दिल्ली के अरुण जेटली मैदान में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का दूसरा मैच शुरू हो चुका है। पहला मुकाबला टीम इंडिया ने एक पारी और 132 रनों से अपने नाम किया था। अब सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल करने के लिए विराट कोहली के घरेलू मैदान में अगला मुकाबला होना था। कप्तान रोहित शर्मा एक बार फिर से टॉस जीतने में नाकामयाब रहे। पैट कमिंस ने बल्लेबाजी लेने में ज्यादा देरी नहीं लगाई। ऑस्ट्रेलियाई टीम की पहले मुकाबले में काफी ज्यादा बेइज्जती हुई थी और इसीलिए इस मुकाबले में उसका बदला लेने के लिए डेविड वार्नर और उस्मान ख्वाजा मजबूत इरादों के साथ मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए और भारत की तरफ से पहला ओवर डालने के लिए आए थे मोहम्मद शमी। लेकिन उनकी गेंदबाजी देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो अपना रिदम खो बैठे हों। उन्होंने ढेर सारी वाइड बॉल और बिना लाइन और लेंथ वाली गेंद डाल दी, लेकिन उसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने वापसी की और आपको बता दें कि पहले ही ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 4 रन बना लिए थे और दूसरे ओवर में उस्मान ख्वाजा ने मोहम्मद सिराज की गेंद पर चौका लगाते हुए ये बता दिया कि आज कंगारू ओपनर बल्लेबाज मैदान पर कुछ और ही सोचकर उतरे थे। हद तो तब हो गई दोस्तों जब तीसरे ओवर में मोहम्मद शमी की गेंद पर उस्मान ख्वाजा ने 2 चौके लगा दिए और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 3 ओवर के बाद 18 रनों के पार पहुंच गया और ये कुछ वैसी ही शुरुआत है जैसे रोहित शर्मा ने भारत के लिए पहले टेस्ट मुकाबले में शुरुआत की थी।